लोक निर्माण विभाग पोखरी की खोल लापरवाही। आपको बता दें कि पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय से बुनियाला तक मोटर मार्ग के बड़े ही बुरे हाल हैं। यहां पर पता ही नहीं चलता सड़क पर गड्ढे हैं। बताते चलें कि इस मोटर मार्ग का निर्माण 1972 से 1973 में हुआ था, लेकिन आज 47 साल बीत जाने के बाद भी इस मोटर मार्ग का सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 से 15 साल पहले यहाँ पेंटिंग का कार्य करवाया गया था। मैं 2-3 बार पिपली के ये हिसाब से मिला, मैं पिपली में गए, हम 4-5 लोग यहाँ टावर मोहल्ले के सारे लोग हम गए। पहले तो उसने गलत बातों का हमारे साथ दुरुपयोग किया कि भाई हम जय इसको पूछ लो, हमें कहा आप जिम्मेदार अधिकारी हैं भाई, आप जिम्मेदार पद पे हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी। फिर उसने हमारे साथ जय भेजा, जय ने बोला कि मैंने पैच के लिए टेंडर लगा के मेरे को लेबर नहीं मिली। मैंने वही सुझाव दिया था कि जो कि भाई ये ग्वालदन से आगे 1 किलोमीटर रोड पर जो है कि ये सीमेंट एड बननी थी, इस रोड को भी क्यों सीमेंट एड नहीं बनाया जा सकता है। और बड़े दुख की बात है कि सबसे दुख की बात है कि कार्यालय के नजदीक 100 मीटर के दायरे पर जो रोड की ये हालत है, तो जो सरकार की वास्तव में सरकार की जो पॉलिसी की पहले कि हम गड्ढाविहीन रोडों को बनाएंगे, तो ये उनके सरकार की वास्तव में सरकार या पीडब्ल्यू विभाग की लापरवाही समझें कि जो उसके कार्यालय के नजदीक ही सारे सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। तो हमने इस संबंध में 2-3 बार उनसे मौखिक रूप से ही बोला कि वो कभी बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला भाई जिला प्लान से इसको पैसा रखा जाए, और ये पैज के पैसे जो मार्च में पैज के पैसे आए थे उन्होंने कुछ हद तक ये रोड बनाई, फिर उसके बाद छोड़ दिया। उसका एक ही विकल्प है कि उसको वास्तव में सीमेंट राइट बनाया जाए ताकि ये रोड मुख्यालय पर होते हुए ठीक हो सकती है। जो है लगभग 1 साल से देख रहे हैं, और 1 साल से मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ पर 1 साल से रोड बिल्कुल बुरी तरह से खराब है। और लगभग 1 किलोमीटर का दायरा जो बुनियाला से जो है कि पोखरी तक, विनायक धार मार्केट तक जो है ये रोड पूरा बदहाल है। और हमने जो है कि इस पर जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी पोस्ट पर भी हमने कई बार लिखा हुआ, फोटो खींच के भी दिया है बाकायदा। मैं लखपत सिंह राणा, मैंने अपने पोस्ट वो उससे कमेंट्स भी किया हुआ है, चाहे माननीय विधायक जी हो चाहे यहाँ पर कोई भी हो, उन जनप्रतिनिधि को मैंने लिखा भी है। और हमने ये भी कहा है कि हमने कई बार बोला, हमने कहा देखा हमने यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर के दायरे पर सिर्फ किसी के आगे ही, दुकान के आगे ही सिर्फ पेंच वर्क किया गया है, बाकी यहाँ पर किसी दुकान के यहाँ पर 1 किलोमीटर के आगे पर जो है क्या जो पार्टी में क्या रहते हैं या क्या उनके घर के आगे ही या उसके आगे ही जो यहाँ पर जो है कि पेंच वर्क होगा। बाकी जो लोग यहाँ पर अन्य लोग हैं, यहाँ पर कम से कम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कम से कम 20-22 दुकानें हैं जो सिर्फ यहाँ पर धूल खाने के लिए ही जो है पैदा हो रखी है। बेकदर यहाँ पर रोड है कि हम लोग यहाँ पर 1 मिनट भी दुकान के अंदर यहाँ पर पूरा ट्रैफिक चलता है और 5 मिनट में गाड़ियाँ चलती है। जो जितनी भी इस रोड की धूल है सारे दुकानों के अंदर या सारे किसी भी जो यहाँ पर अगर 5 मिनट भी अगर बैठा तो उस व्यक्ति पर पूरी धूल चिपक जाती है। और ये पूरा जो है कि इस रोड के डामरीकरण के लिए हम ये चाहते हैं, चाहे कोई भी शासन प्रशासन इस रोड का डामरीकरण करे। अगर यहाँ पर पानी के वजह से अगर यहाँ डामरीकरण नहीं हो पाता तो हम एक सुझाव देते हैं कि यहाँ पर सीमेंट जो है रोड बनाई जाए बिना इधार से, और लगभग इस एरिया पर जो है सीमेंट रोड बनाई जाए जिससे कि पानी का बहाव भी जो है कि ऊपर से नालियाँ बन जाए और सब लोगों को परेशानी ना हो, हम यही चाहते हैं।